40 रुपए किलो। अरे अरे बेटा, अरे बेटा, ये ना तुम्हारे पैसे गिर गए थे पीछे। मेरे पैसे पीछे गिर गए थे? शिट, ये तो मेरे पैसे हैं, ये पीछे कैसे गिर गए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, ये पैसे लौटाने के लिए। और इसमें से 500 रुपये ना आप रख लीजिए, आपकी ईमानदारी के लिए आपने मेरे पैसे लौटाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं बेटा नहीं, ये मैं कैसे ले सकता हूँ, ये मेरे पैसे थोड़ा है, ये पैसे तुम्हारे हैं, अपने पास रखो, आगे से ना पैसों का ध्यान रखा करो। जी अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पैसे लौटाने के लिए। अच्छा बेटा। पापा मुझे जल्दी पैसे दीजिए, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जाना है। अरे बेटा रोज रोज पार्टी, अब मैं इतने पैसे रोज कहाँ से लाऊं, धंधा भी अच्छा नहीं चल रहा। पापा रोज रोज एक ही बात बोलते हो आप, मुझे दोस्तों के साथ जाना पार्टी करने के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ मर्जी से पैसे लेकर आओ, पैसे दो जल्दी। अरे बेटा तू जानती है ना, कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ, अब मैं अकेला घर का भी देखूँ, तुम्हारा भी देखूँ, बाहर काम का भी देखूँ, कुछ तो अपने बाप पे तरस खा। जब मेरी जिम्मेदारी उठाई नहीं जाती थी तो मुझे पैदा ही क्यों किया, पहले ही मार देते ना। पता नहीं किस गरीब खानदान में पैदा कर दिया भगवान ने मुझे, माँ तो पहले ही छोड़ के चली गई, एक बाप बचा है, उससे भी मेरे खर्चे पूरे नहीं होते। अरे बेटा चल ये ले, ये ना कोई 800-900 रुपए होंगे, ये रख। पापा 800-900 में कौन सी पार्टी होती है, आपकी ना प्रॉब्लम ही यही है, आप खुद तो गरीब हो, मुझे भी गरीब बनाकर रखा हुआ आपने। हेलो, हाँ विशाल, पैसे मिल गया मुझे पापा से, एक काम करते हैं फटाफट से पार्टी करने चलते हैं और उसके बाद होटल चलेंगे, मजे करेंगे खूब। ओके। सुनिए मैडम। जी कहिए क्या हुआ। इतने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं, हाथ में इतना महंगा फोन है, किसकी वजह से? आपके पापा की वजह से ना, आपके पापा दिन रात यहाँ पे मेहनत करते हैं, इसलिए आपके पास ये सब कुछ है। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम्हारे पापा कितनी मेहनत करते हैं तुम्हें खुश रखने के लिए? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बार सामने अपने पापा की तरफ देखो। ये केले कैसे दिए बाबूजी? ये 40 रुपए किलो और ये 60 रुपए किलो। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, 40 रुपए किलो केले 20 रुपए बिकते हैं मार्केट में, मुंह उठा के बस जो रेट में आया बोल के चले जाते हैं यहाँ से, कोई काम तो ढंग का कर ले करो। ये सेब क्या रेट दिए भाई? ये 250, ये 300 और ये 400। तेरा दिमाग खराब है, 250 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए, सेब का रेट बता, सोने का नहीं? इतने महंगे सेब कौन बेच रहा है, तू अकेला ही है जो इतने महंगे सेब बेच रहा है। हाँ तुम जैसे गरीब लोगों की ना यही दिक्कत होती है, अगर कोई ग्राहक आ जाए तो यही सोचते कि उसको कैसे लूटा जाए, बेवकूफ कहीं का। तेरे पास ना आने का फायदा ही नहीं है, जब देखो बस रेट फालतू का ही बोलता है, जा रहा हूँ यहाँ से, किसी और को बेच दियो। अरे बाबूजी सुनिए, देखा तुमने वो कैसे दिन रात मेहनत करते हैं ताकि आपको अच्छा लाइफस्टाइल दे पाए, दिन रात लोगों की बातें सुनते हैं और उसके बाद वो जाके कुछ पैसे कमाते हैं जिससे वो अपना घर चलाते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं और इसी आस में रहते हैं कि एक दिन तुम बड़ी इंसान बनके उनके बुरे दिन दूर करोगी। ये सब करके तुम उनके बुरे दिन तो क्या दूर कर रही हो, तुम तो उन्हें और मजबूर कर रही हो। माँ बाप इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, तो अपने माँ बाप की कदर करना सीखो, उनकी ऐसे बेइज्जती मत करो। पापा मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे कभी ये चीज रियलाइज नहीं हुई कि आप मेरे लिए इतनी मेहनत करते हो, धूप हो सर्दी हो गर्मी हो, आप मेरे लिए पाई पाई जोड़ के कमाते हो ताकि मैं अपने खर्चे पूरे कर सकूं, पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन सकूं, और मैं आपके साथ कितना बुरा सलूक करती हूँ, मुझसे गलती हो गई पापा, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी कहते हैं ना सुबह का भूला अगर शाम को घर वापिस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अरे वैसे भी तू तो मेरी लाडली बेटी है, तू प्यारी बेटी है मेरी, रो मत, चुप हो जा। पापा मैं ना प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद अपने दोस्तों के साथ आवारा गलती नहीं करूंगी, मैं कहीं घूमने फिरने नहीं जाऊंगी, पढ़ लिख कर ना अच्छी अफसर बन के दिखाऊंगी और आपका नाम रोशन करूंगी, और तब तक ना मैं रोज आपके साथ काम में हाथ बटाऊंगी। जी बच्चा मेरा प्यारा बच्चा।